हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल योगिताज किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ 5 शॉर्ट्स लड्डू। ये खाने के बाद आप डेजर्ट में भी खा सकते हैं और अपने घर पर आए हुए मेहमानों को भी खिला सकते हैं। मेहमान भी इसे खा करके आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं 5 शॉर्ट्स लड्डू। 5 शॉर्ट्स लड्डू बनाने के लिए हमने 25 से 30 पान लिए हैं। ये छोटे छोटे पान हैं, मैंने इन्हें अपने घर से ही तोड़ लिया है। अगर आप मार्केट से लाएंगे तो 10 से 12 पान में आपके लड्डू बन जाएंगे। अब हम इन पान की पत्तियों के टुकड़े कर लेंगे। इस तरह से तोड़ लेंगे हम इनको, पूरे पत्तियों को। ये देखिए, हमने पान की पत्तियों को तोड़ लिया है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें ये सारी पान की पत्तियां डाल देंगे। ये देखिए, हमने पान की पत्ती को मिक्सी जार में डाल लिया है। अब हम 200 ग्राम कंडेंस मिल्क लेंगे। ये 200 ग्राम कंडेंस मिल्क है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे जार में। अब हम मिक्सी जार का ढक्कन लगा करके इसे पीस लेंगे फाइन। ये देखिए, हमने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। सबसे पहले फ्लेम पे हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है मीडियम आंच पे। ये 150 ग्राम डेसिकेटेड नारियल भूरा है, हम इसे मीडियम आंच पर पे 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, भूरा भी हमारा अच्छे से सिक चुका है। अब हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और जो हमने फाइन पेस्ट तैयार करा हुआ है पान का, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। लगातार चलाते हुए हम इसे भी सेक लेंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। जो जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा रह गया था, हमने दूध डालकर उसे भी निकाल लिया है, इसे भी ऐड कर देंगे। ये हमने फूड कलर लिया है जो हमारे 5 शॉर्ट्स के कलर को और भी बढ़ा देगा। इसे मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। लगातार चलाते हुए सेक भी लेंगे। ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और हमने इसको लगातार चलाते हुए सेक भी लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारे 5 शॉर्ट्स लड्डू का मिश्रण एकदम थिक हो चुका है और अच्छे से सिक चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर में आने तक के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक मिश्रण ठंडा हो रहा है, हम इसकी फिलिंग्स तैयार कर लेते हैं। फिलिंग्स बनाने के लिए हमने एक बाउल में 100 ग्राम गुलकंद ले लिया है, 2 चम्मच हमने टूटी फ्रूटी ले ली है, 1 चम्मच हमने सौंफ ले ली है, 5-6 काजू लिए हैं, इसको हमने बारीक काट लिया है, इसे भी इसमें मिक्स कर लेते हैं, 5-6 बादाम ले लिए, इसको भी बारीक काट लिया, इसे भी मिक्स कर लेते हैं, 1 चम्मच हमने पिस्ता ली है, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक बढ़िया सा मिश्रण तैयार कर लेते हैं। फिलिंग्स तैयार हो गई है। अब हम 5 शॉट्स बनाना शुरू करते हैं। मिश्रण ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें से इतना मिश्रण लेंगे कि जितना बड़ा हमारे नींबू का आकार का साइज़ का गोला बन जाए। ये देखिए, हमने इसको बना लिया है और हथेली पे इस तरह से रख लिया है। बीच में से इसको कटोरी का शेप दे देंगे हम इस तरह से, और इसमें फिलिंग्स भर देंगे हम थोड़ी सी। हम हाथ से भर लेंगे अच्छे से फिलिंग्स को। ये देखिए, हमने इसके अंदर इस तरह से फिलिंग्स रख दी है और चारों तरफ से मिश्रण को उठा करके हम पैक कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पैक कर लेंगे फिलिंग्स को, चारों तरफ से हम अंदर कर देंगे और इस तरह से हम लड्डू को पैक कर देंगे और फिर हथेली से इसे गोल गोल इस तरह से कर लेंगे। अब हम इसे सूखे नारियल में लपेट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमारा कितना बढ़िया लड्डू बन करके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरे लड्डू भी बना लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा लड्डू बन करके तैयार हुआ है। दूसरा लड्डू भी बना लेते हैं हम इसी तरह से। हाथ में इसे गोल गोल कर लेंगे, कटोरी का शेप दे देंगे, इसमें फिलिंग्स भर लेते हैं हम और चारों तरफ से उठा लेके इसको पैक कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए, हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो गया है। फिर से इसे गोल गोल कर लेंगे और सूखे नारियल में लपेट लेंगे। ये देखिए, दूसरा लड्डू भी बनकर के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, हमारे 5 शॉर्ट्स लड्डू बनकर के तैयार हैं। अब हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। तो गार्निशिंग के लिए हमने एक चेरी के 2-2 पीसेस कर दिए हैं। अब हम इसे लड्डू पे इस तरह से रख लेंगे। ये देखिए, कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए, हमारे पूरे 5 शॉर्ट्स लड्डू बनकर के तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए इस दीपावली पे और अपने मेहमानों को खिलाइए। मेहमान भी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। अगर मेरे आप
पान शॉर्ट्स लड्डू की आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।